एवरीवन, दिस इज़ अनदर वीडियो इन द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम वेलूर म्यूटिनी के बारे में पढ़ रहे हैं जो 1806 में हुआ था। ठीक है, तो दिस म्यूटिनी इज वेल नोन बिकॉज दिस म्यूटिनी वॉज एक्चुअली लेड बाय अ टोपी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक टोपी से म्यूटिनी कैसे राइज हो सकती है। इट्स बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू सम रिलीजियस मार्क्स दैट द इंडियंस यूज टू वियर। उससे रिलेटेड कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो देर आर सम इवेंट्स जिसको लेकर के जो इंडियन सोल्जर्स थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे और उसी की वजह से उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो दिस वॉज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट ब्रूटल रिवॉल्ट दैट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश एंड दिस लेड टू सीपॉय म्यूटिनी। ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अन अकेडमी हैज़ ब्रॉड अ प्राइस हाइक अलर्ट। If you are going for the subscription on Unacademy, do not forget to use the code SIMPLEYT. Okay, this code will get you 10% extra off. So when you are going for the subscription, just use this code SIMPLEYT and you will get the subscription along with a discount of 10% off. So Unacademy's Aspire program, as you all know, this is an all India free mock test for all the services like civil service aspirants ऑल ओवर द इंडिया। तो इसमें जो पेपर होगा वो आपका पेपर वन GS का पैटर्न होगा। ऑल्सो इट वुड बी कंडक्टेड ऑन 25th October एट 10 AM शाम। ठीक है, तो ये ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आप 10th और 25th किसी भी ये दोनों डेट्स आपको मंथ में दो डेट्स दी जा रही हैं जिस पर आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। ओके, सो ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर द टेस्ट दे विल हैव टू एनरोल एंड आफ्टर द एनरोलमेंट व्हेन यू विल गिव द टेस्ट आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स यू विल गेट एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी। तो स्कॉलरशिप्स का ऐसा सीन है कि जो भी लोग होंगे, जो टॉप 1, 2, 3 होंगे, उनको फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से एंड फॉर ऑल दोज हु वुड बी अंडर टॉप 50 दे विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी। So Unacademy doesn't keep any language barrier. For that purpose, Unacademy brings 3 different kinds of batches. Okay, so all those who are comfortable in English, they can go for purely English batches. जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के batches लगाए जाएंगे and all those who are comfortable in English as well as Hindi, they can go for bilingual batch courses. These courses have started from 5th of October, so you can just go and get the subscription and join these classes. Okay, so when I'm telling you to get the subscription, I just want to tell you that Unacademy brings you unlimited benefits with just one subscription. Okay, you are getting a subscription and boom, you are getting so many benefits with it. Like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. And also see, to boost up your preparation, the regular doubt clearing sessions and answer writing sessions would also be there. स्टडी मटेरियल जो है वो आपको नॉट ओनली इन वीडियो फॉर्म बट ऑल्सो देर वुड बी PDF फॉर्मेट एज वेल। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसके दौरान यू शुड नो दैट हाउ मच फ्रूटफुल रिजल्ट यू आर एबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, नाउ यू नीड टू चेक योर सेल्फ अप कि आप कितना सीखे हैं। ओके, आपने कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन की है, तो उसको चेक करने के लिए यू कैन गिव लाइव टेस्ट सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर आपको टेस्ट देना होगा। ओके, सारे पैटर्न्स, जितने भी पैटर्न्स UPSC में होते हैं टेस्ट के, वो सब इस टेस्ट में दे विल बी देयर एंड ऑल्सो यू विल गेट द रैंक फ्रॉम अमंगस्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो इससे कि आपका क्या होगा, जो मेंटल स्टेटस है वो आपका बिल्डअप होगा। यू विल हैव अ रिहर्सल ऑफ गिविंग द एक्चुअल एग्जाम। ओके, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड व्हाइल यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यू विल आल्सो गेट अ मेंटोर, अ पर्सनल मेंटोर हु विल गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। ओके, वेर एवर यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट हिम और हर एंड शी और ही विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग विद द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, लाइक ऑल द बेनिफिट्स दैट आर रिटन ओवर हियर राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक द स्ट्रक्चर्ड बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स, देन द लेट नाइट बैचेस। ओके, दे आर ऑल्सो देयर फ्रॉम प्रीलिम्स मेंस टू द डेडिकेटेड
सीरीज विद एवोल्यूशन. ओके, डाउट क्लियरिंग सेशंस वुड बी देयर, एसे राइटिंग एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस वुड आल्सो बी देयर. आल्सो यू कैन एवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड देन टिल द एंड वेयर द इंटरव्यू प्रिपरेशन वुड बी लाइक योर प्रायोरिटी, देयर आल्सो एन अकेडमी स्टैंड्स विथ यू. ओके, so when you are going for the subscription, just use the code SIMPLEYT and you will get 10% extra off. Unacademy's Champions Conclave is one such session that will get you the tips and tricks from the ones who have already cracked this exam. Okay, it's like the UPSC aspirant who's preparing for this examination. He or she will get the guidance and the strategies that the people, that the students who have already cleared this exam, they will be providing the guidance here. Okay, so you can adopt more and more features that you will, that will get you to enter this examination. Okay, to enter UPSC. So T20 Daily Current Affairs Series an academy आपके लिए लाता है. It is free. अब इसमें क्या होगा, 7:30 पर डेली आपको एक क्विज़ दी जाएगी जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होंगे एंड इट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है, 20 मिनट में करके वो क्विज़ आपको सबमिट करनी है एंड आफ्टर द सबमिशन यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट एनालिसिस. ओके, दिस रिपोर्ट इज़ अ डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड बेसिकली. तो इसमें आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे दैट हाउ मच यू आर अपग्रेडेड, हाउ मच यू हैव अपडेटेड. ओके, सो द लिंक्स आर गिवन बिलो टू आवर चैनल. ठीक है, तो ये कुछ लिंक्स हैं जिसके थ्रू यू विल गेट मोर एंड मोर कंटेंट रिलेटेड टू यूपीएससी, नॉट जस्ट द सिलेबस, नॉट जस्ट द टॉपिक्स दैट वुड बी कमिंग इन यूपीएससी, बट आल्सो सम मोटिवेशनल वीडियोस एंड अदर स्टफ्स रिलेटेड टू इट. सो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दीज लिंक्स टू रीच आवर चैनल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टॉपिक दैट इज वैल्यूर म्यूटनी. ठीक है, तो ये हम 1806 की बात कर रहे हैं, एकदम अर्ली 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. तो मैंने आपको इसमें एक टर्म बोली थी कि एक टोपी की वजह से ये म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यू नो देर आर पॉइंट्स जिससे कि यू कैन कीप योर द टॉपिक रिलेटेड. ठीक है, तो ऐसा है कि जो वैल्यूर म्यूटिनी थी ये टोपी से रिलेटेड है. ये 10th July 1806 को हुई थी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट ब्रूटल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश दैट लेड टू सीपॉय म्यूटिनी. ठीक है, ये बेसिकली एक सीपॉय म्यूटिनी थी. इसमें कॉमन पीपल अभी इन्वॉल्व नहीं हुए थे, इसमें सिर्फ जो नेटिव सोल्जर्स थे उनका ही रोल हम पढ़ेंगे बेसिकली. सो इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्रेट म्यूटिनी कमिंग अप ऑफ 1857. ठीक है, तो ये एक ऐसी म्यूटिनी थी जिससे कुछ लोगों को ये आइडिया लग चुका था दैट देयर इज़ अ बिगर म्यूटिनी, देयर इज़ अ बिगर रिवोल्ट दैट इज़ कमिंग अप इन द वे. ठीक है, एंड इट वुड बी अगेंस्ट द बर्बारिज्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, उन्होंने जितने भी यहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं, जितने भी अट्रॉसिटीज़ किए हैं, अट्रॉसिटीज़ वर लाइक उन्होंने जो हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अडॉप्ट किया था. ठीक है, पेसेंट्स और फार्मर्स को काफ़ी एक्सप्लॉयट किया था, ट्रेडर्स को भी एक्सप्लॉयट किया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ही 1857 में फाइनली एक रिवोल्ट आएगा, वो हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू बी स्टडीड ऑन हायर लेवल. लेकिन जो वैल्यूर म्यूटिनी है ये इट इज़ वन ऑफ द साइंस कि देखिए अब 1857 में एक और म्यूटिनी आने वाली है. ओके, इट वाज लाइक अराउंड 50 इयर्स एगो दिस वाज वन सच साइन. ठीक है, इट वाज अ मेजर एक्ट ऑफ डिफाइंस एंड इट वाज मार्क्ड बाय द फर्स्ट very large scale and violent mutiny in which only the native soldiers were involved. तो ये basically Indian sepoys ने ही East India Company के खिलाफ ये mutiny को run किया था. Okay, although it lasted for one day but it has costed 400 lives. ठीक है,
दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू इट. लाइक वन ऑफ द फर्स्ट ब्रूटल रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश दैट लेड टू सीपॉय म्यूटिनी प्रिडेटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अबाउट 50 ईयर्स अगो. इट लास्टेड ओनली फॉर अ डे बट कॉस्टेड अराउंड 400 लाइव्स. इट वॉज वन इवेंट ओवर द टोपी बियर्ड एंड कास्ट मार्क. ओके, तो बेसिकली ये रिलीजियस जितने भी मार्क्स जो इंडियंस यूज करते थे उस टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे टोपी से मतलब है जो मुस्लिम्स जो टोपी पहनते हैं, जो सिख, जो हमारे सिख भाई लोग हैं वो जो टोपी पहनते हैं, ओके, टर्बन जिसको हम बोलते हैं वो, बियर्ड जो मुस्लिम्स हैं, जो मोहम्मडन्स हैं वो, इट्स लाइक दे कीप बियर्ड नो, तो उसको लेकर के भी काफ़ी सारे इश्यूज हो गए थे. ठीक है, कास्ट मार्क, जैसे कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको उनके कास्ट का मार्क पहनने को लाइक दे यूज टू वेयर, तो उसको पहनने के लिए मना किया था. तो ये एक ऐसा ही म्यूटिनी है. तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाई वेलोर म्यूटिनी. ठीक है, क्यों हुई थी वेलोर म्यूटिनी, इट वाज बिकॉज सी सर जॉन क्रैडॉक द कमांडर इन चीफ ऑफ मद्रास आर्मी हैड इशूड ऑर्डर्स प्रोहिबिटिंग, ठीक है, कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया था, जैसे कि सोल्जर्स फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फोरहेड्स. ठीक है, वो माथे पे जितने भी रिलीजियस मार्क्स, ठीक है, सी इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. ठीक है, इट हैज़ सो मैनी रिलीजन्स, इट हैज़ सो मैनी कास्ट, तो उन सबके अलग अलग रिलीजियस मार्क्स थे. तो उस टाइम पे जो भी इंडियन सीपॉयज होते थे वो सारे मिक्स्ड थे. तो ठीक है, तो उसमें जितने भी रिलीजन के लोग थे और जो भी कास्ट थी, तो वो जो भी रिलीजियस मार्क्स यूज़ करते थे उसको प्रोहिबिट किया गया था, उसको बंद करने की कोशिश की गई थी कि आप ये पहनना बंद कीजिए. ऑल्सो टू ट्रिम देयर मुस्टैचेस एंड शेव ऑफ देयर बियर्ड्स. ठीक है, तो जो मुस्टैच, जो मूंछ थी उसको शेव ऑफ करने के लिए बोला, जो बियर्ड्स थी उसको शेव ऑफ करने के लिए बोला. ठीक है, तो ये जो शेविंग ऑफ बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस है, ये कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जहाँ पे उनको लाइक इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो. सी देर आर सो मैनी रिलीजन्स, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट भी यू नो रिवोल्ट स्टार्ट, लाइक इट वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था. दिस ऑफेंडेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स. ठीक है, तो अब इसमें जो दो लोग आए वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि दोनों के ही रिलीजियस मार्क्स को बैन करने के लिए ऑर्डर्स निकाले गए थे. Now there were also like they were also asked to wear new round hats instead of the traditional headgear that they were used to. ठीक है, जो traditional headgear वो पहले पहनते थे उसको replace किया गया था एक round hat से. ठीक है, this led to suspicion among the sepoys that they were being converted to Christianity. ठीक है, तो इसका एक major reason ये भी था कि इससे जो Indian soldiers थे उनके अंदर एक डर बैठ गया था दैट दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. मैंने आपको बताया था कि यहाँ मतलब इंडिया में उस टाइम पे प्रोसेलिटाइजेशन जैसी भी कुछ चीज़ें आने लगी थी. ओके, तो व्हाट वाज इट, इट वाज लाइक इंड्यूसिंग समबडी टू चेंज देयर फेथ इनटू द वन विच द अदर पर्सन इज फॉलोइंग. ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा जो भी फेथ है, मैं आपको अगर कोई भी चीज़ या कुछ भी ऐसा इंडक्शन दूँ या कुछ भी लाइक आई डू एनीथिंग जिससे कि आप इंड्यूस हो जाएं और आपका जो फेथ है उसको कन्वर्ट कर ले मेरे फेथ में. ठीक है, दिस इज़ प्रोसेलिटाइजेशन. तो उस टाइम पे प्रोसेलिटाइजेशन की भी काफ़ी कंडीशंस बन गई थी इंडिया में. जो क्रिश्चियंस थे और उनका नंबर बढ़ता जा रहा था, जो चर्चेस थे उनका नंबर बढ़ता जा रहा था. ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी इस्टेब्लिश हो गई थी, तो जो इंडियन सीपॉयज थे लाइक ऑल दीज साइंस, जैसे कि टर्बन नहीं पहनना, जो बियर्ड है और मुस्टैच है उसको शेव ऑफ कर लेना एंड अदर थिंग्स, इनकी वजह से दे वर लेड टू द सस्पिशन के ये जो पूरी चीज़ें हो रही हैं ये उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए हो रही हैं. ओके, एंड उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो क्रैडॉक थे, तो क्रैडॉक ने ही लाइक ही वाज एक्टिंग अगेंस्ट वार्निंग फ्रॉम मिलिट्री बोर्ड नॉट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन मिलिट्री यूनिफॉर्म विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ऑफ इंडियन सेंसिबिलिटीज. ठीक है, जो क्रैडॉक थे उनको पहले से ही वार्न किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो वहाँ पे मिलिट्री बोर्ड था, कि डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग एनी चेंजेस इन द मिलिट्री यूनिफॉर्म. ठीक है, एंड इवन इफ यू आर लाइक इवन इफ द चेंजेस आर रिक्वायर्ड देन देयर शुड बी प्रिकॉशंस ऑफ इंडियन सेंसिबिलिटीज.
ठीक है, आपको इंडियन सेंसिबिलिटीज के लिए लाइक यू शुड रिस्पेक्ट द इंडियन सेंसिबिलिटीज. दे आर सेंसिबल टू द रिलीजियस मार्क्स, दे आर सेंसिबल टू द रिलीजियस, यू नो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द रिलीजन. देन यू शुड नॉट टच दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, तो ये वार्निंग पहले से ही क्रेडॉक को दी गई थी, बट ही डिड नॉट फॉलो. फिर आगे क्या हुआ, द इंग्लिश डिसरिगार्ड टू द रिलीजियस सेंसिविटीज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. ठीक है, तो ये म्यूटिनी जो थी इसमें एक ये चीज़ हुई थी कि जो इंग्लिश थे उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया इंडियन सेंसिबिलिटीज़ जो उनकी रिलीजन की टूवर्ड्स थी उनकी. ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, अ फ्यू सीपॉयज हु हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दीज न्यू ऑर्डर्स वर टेकन टू फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड पनिश्ड सीवियरली. दे वर गिवन हैवी फ्लॉजिंग. ठीक है, तो ये कुछ पहले कुछ लोगों ने स्टार्ट किया ये म्यूटिनी, लाइक ये रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय अ वेरी फ्यू सीपॉयज. तो वो जो सीपॉयज थे उनको, जो पहले कम नंबर में थे, उनको फोर्ट सेंट जॉर्ज ले जाया गया. वहाँ पे उनको काफ़ी हार्श पनिशमेंट्स दिए गए थे. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दैट ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेलूर फोर्ट विद द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ टीपू सुल्तान हु वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ सेरिंगापतम हु वर हाउस इन द प्लेस विद इन द फोर्ट टीपू सन्स. ठीक है, अब हम वेलूर म्यूटिनी के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें जो टीपू सुल्तान है उनके सन का भी रोल है. ठीक है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्लानर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूटिनी. So, course of rebellion. On 10th July 1806, the sepoys who had granted killed 14 British officers and 115 Englishmen of the 69th regiment. ठीक है, तो पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया जो यूरोपियन लोग थे उनको जो हायर पोस्ट थी वो मिलती थी, उसके साथ साथ देर वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश आर्मी अलॉन्ग विद दैट. ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन सीपॉयज की भी एक आर्मी होती थी और जो ब्रिटिश लोग थे वो भी आर्मी में होते थे, लेकिन दे वर ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे देन द वे द इंडियंस वर ट्रीटेड एंड ऑल्सो दे हैड हायर पोजीशंस. तो ये जब ये जो एक रेजिमेंट था, ठीक है, वहाँ पे 116 इंग्लिश मैन को मार दिया था सीपॉयज ने 10th July 1806 को. ठीक है, और किन चीज़ों के ऊपर माना वो मैंने आपको कारण सारे बता दिया, और साथ ही 14 ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मार दिया था. ये आधी रात को म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी एंड बाय द मॉर्निंग द फोर्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय देम. दे रेस्ड द फ्लैग ऑफ मैसूर सुल्तनेट ओवर द फोर्ट. दे ऑल्सो डिक्लेयर टीपू सुल्तान सन फतेह हैदर एज द किंग. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं उनका भी रोल है. क्या रोल था कि ये जो म्यूटिनी चली थी पूरी, तो इसमें बेसिकली ये हुआ था कि पहली चीज़ मैंने आपको बताया टोपी के ऊपर थी. ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, टोपी के ऊपर थी. अब और भी चीज़ें आप उससे रिलेट कर सकते हैं, बियर्ड एंड ऑल. ठीक है, अब उसके बाद ये एट जो 1806 में 10th जुलाई को स्टार्ट हुई थी, तो उसमें से लाइक अप्रॉक्सीमेटली 115 इंग्लिश मैन को मार दिया गया था और 14 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था, और उन्होंने जो फोर्ट है वो भी कैप्चर कर लिया था. साथ ही वहाँ पे जो मैसूर सल्तनेट का जो फ्लैग था उसको होस्ट किया गया था, एंड ऑल्सो जो किंग उस टाइम पे डिक्लेयर किए गए थे वो टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को बनाया गया था. बट द ब्रिटिश ऑफिसर हु हैड एस्केप्ड द फोर्ट अलर्टेड द ब्रिटिश फोर्स प्रेजेंट एट आरकोट. ठीक है, अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो उस फोर्ट से बच के भाग गए थे, वैसे उन्होंने काफ़ी सारों को मार दिया था, लेकिन फिर भी जो बच के भाग गए थे उन्होंने आरकोट जाकर ब्रिटिश फोर्सेस को आगाह कर दिया, उन्होंने वार्न कर दिया, अलर्ट कर दिया दैट द म्यूटिनी हैज़ बीन स्टार्टेड इन द फोर्ट. ठीक है, तो मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ एंड नाउ द कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ टू बी टेकन बाय द ब्रिटिश फोर्सेस. अब वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, ठीक है, वो काफ़ी हार्श था. ऑल्दो दिस म्यूटिनी वॉज वेरी वायलेंट, बट इट वॉज द फर्स्ट साइन दैट देर इज अ ग्रेटर ग्रेटर म्यूटिनी कमिंग अप इन 1857. सो अबाउट 100 इंडियन सोल्जर्स वर ब्रॉट आउट ऑफ द पैलेस वेयर दे हैड सॉट रिफ्यूज. They were then ordered to stand against a wall and shot dead. In all, 350 Indian soldiers were killed and 350 wounded. Okay, this is like very, very harsh. ऐसा हुआ था कि जो भी लोग
ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे पैलेस में उनको मिले जितने भी इंडियन सोल्जर्स मिले, जो भी उन्होंने भले चाहे म्यूटिनी में पार्टिसिपेट किया था या पार्टिसिपेट नहीं किया था, इट डजंट मैटर. द ब्रिटिश फोर्सेज दे टुक आउट ऑल द सोल्जर्स फ्रॉम देयर एंड दे मेड देम टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल. ठीक है, एक दीवार के सामने उनको खड़ा कर दिया एंड दे वर शॉट डेड इन द हेड. ठीक है, उनको गोली मार दी गई सबको. अप्रॉक्सीमेटली 350 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे उस म्यूटिनी में एंड 350 वर वूंडेड. ओके, सो इट वॉज अ वेरी वेरी ब्रूटल रिवोल्ट. ठीक है, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वेलून म्यूटिनी. ठीक है, अब ये रिवोल्ट हो गया तो इस पर क्या फ़र्क पड़ा? ठीक है, ये इतनी बड़ी म्यूटिनी हुई तो जो इंडिया के दूसरे पार्ट से, क्या वहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ा या वो कौन से रीजन्स जो थे वो अफेक्टेड थे इस म्यूटिनी की वजह से? ऑल थ्री मद्रास रेजिमेंट्स इन्वॉल्व इन वेलूर म्यूटिनी वर डिसबैंडेड. ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हुई थी कि जो भी रेजिमेंट्स, जो मद्रास रेजिमेंट्स थे जो वेलूर म्यूटिनी में, यू नो, दे इट वॉज फाउंड दैट दे वर इन्वॉल्व इन वेलूर म्यूटिनी, तो उनको डिसबैंड कर दिया गया था. ठीक है, आफ्टर अ ट्रायल सीपॉयज इन्वॉल्व इन द म्यूटिनी वर पनिश्ड बाय डेथ, blown away from cannons, hanging and firing squads and by penal transportation. ठीक है, like very harsh punishments were given to the Indians who all were, to the sepoys who all were involved in this mutiny. Harsh punishments like they were punished by death, blown away by cannons, hanging and firing squads and by penal transportation. John Craddock and another senior British officers responsible for the new dress regulations were recalled to Britain. ठीक है, अब इतना सब कुछ उन्होंने इंडिया में, जब इतनी भयंकर म्यूटिनी होने के बाद, इतना भयंकर विद्रोह होने के बाद, उन्होंने जो जॉन क्रैडॉक नाम के जो ऑफिसर थे उनको बुला लिया गया था ब्रिटेन वापस, क्योंकि उन्होंने, सी दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ न्यू ड्रेस रेगुलेशंस. ओके, एंड दीज रेगुलेशंस वर लेटर अबॉलिश्ड. Flogging for Indian soldiers was abolished. Tipu Sultan's family were moved to Calcutta. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई उस mutiny के बाद. And it is also believed that the brutal and swift suppressing of Vellore mutiny is partly responsible for southern sepoys not taking part in Indian revolt of 1857. ठीक है, तो 1857 का जब हम रिवोल्ट पढ़ेंगे, हम उसमें ये देखेंगे कि जो southern parts थे इंडिया के, there was a very little participation from the southern parts of India. ठीक है, जो 1857 का जो first war of independence माना जाता है, तो उस टाइम पे जो participation southern India से था वो काफ़ी कम था, क्योंकि south India was it was already afraid of the Vellore mutiny. ठीक है, जो वेलोर म्यूटिनी में जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 350 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, तो उसकी वजह से दे वर शुक टू द बोन, तो उसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 का जो वेलोर म्यूटिनी. अब एक और इसके जैसा म्यूटिनी है, ठीक है, जो 1824 में बराकपुर म्यूटिनी हुआ था. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द म्यूटिनीज जिसको हम लाइक स्टडी नहीं करते हैं उतना डिटेल में, लेकिन वी शुड नो दैट इट वॉज ऑल्सो वन थिंग. एंड यहाँ से भी पार्टिसिपेशन हुआ था. ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे जो रिवोल्ट्स हैं इनसे मिलकर ही यू नो 1857 का रिवोल्ट आता है. 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो इन सब के कंपैरिजन में लार्ज स्केल पर हुआ था. उसकी वजह से जो ब्रिटिश फाउंडेशन है इंडिया में वो काफ़ी तौर पर हिल गई थी. लेकिन ये जो रिवोल्ट्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी शुड नो दैट व्हाट ऑल द थिंग्स आर कंप्राइजिंग टुगेदर टू मेक द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अ लार्ज स्केल रिवोल्ट. ठीक है, तो पहला हमने ये वेलूर म्यूटिनी पढ़ा, हम बराकपुर म्यूटिनी पढ़ रहे हैं, हम ऑल्सो वी विल ऑल्सो स्टडी पाइका रिवेलियन. ठीक है, पाइका रिवेलियन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फॉर द लाइक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली 1857 का जो म्यूटिनी है उससे क्वेश्चन आ जाए. दे कैन ऑल्सो आस्क दैट वॉट ऑल अदर म्यूटिनीज, वॉट ऑल अदर रिवोल्ट्स वर लाइक दे वर यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 1857 म्यूटिनी.
ठीक है, तो हम बराकपुर जो वेस्ट बंगाल में हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 1824 में ये हुआ था। द म्यूटिनी हैड इट्स रूट इन ब्रिटिश इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंडियन कल्चरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो ये भी देखिए, अब जहाँ जहाँ इंडियन कल्चर को टच करते हैं, जहाँ जहाँ इंडियन रिलीजन को टच करते हैं, वहाँ पे लाइक सी वेन एवर देर इज़ अ रिवोल्ट, उसमें जो रिलीजियस कॉजेस होते ही होते हैं, और वो ही मेन कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से जो रिवोल्ट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। एंड दिस वन बराकपुर म्यूटिनी इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द कल्चरल सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस, नेग्लिजेंस एंड पुअर सप्लाई अरेंजमेंट्स विच कॉज्ड ग्रोइंग रिसेंटमेंट अमंगस्ट द सीपॉयज ऑफ सेवरल रेजिमेंट्स ऑफ बंगाल नेटिव इन्फैंट्री आफ्टर अ लॉन्ग मार्च फ्रॉम मथुरा टू बराकपुर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लाइक देर वर रेजिमेंट्स, और वो रेजिमेंट्स में इंडियंस भी होते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ऑर्डर किया था कि मथुरा से बराकपुर जाना है। तो अब जब मथुरा से बराकपुर जा रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ था, जो सीपॉयज थे उनको, जो नेटिव सीपॉयज थे ठीक है बंगाल के, उनको लाइक दे हैड अ लॉन्ग मार्च, और वो लॉन्ग मार्च के बाद भी उनको जो सप्लाईज मिली थी वो काफ़ी पुअर थी। ओके, देर वर नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स, सो दिस कॉज्ड ग्रोइंग रिसेंटमेंट। इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे सोल्जर्स। एंड ऑल्सो सी ऐसा था कि उस टाइम पे देर वॉज दिस बिलीव के जो सी रूट था उसके थ्रू ट्रैवल नहीं करते थे इंडियंस, जो इंडियन सीपॉयज थे तो उसके थ्रू वो ट्रैवल नहीं करते थे। तो उसी के लिए उनको जो भी लैंड लाइक लैंड वाला रास्ता होता था वो लाइक दे यूज्ड दैट वे। तो उसमें उनको दे नीड अरेंजमेंट्स, दे नीड यू नो द सप्लाईज ऑफ फूड वाटर एंड लाइक शेल्टर, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की गई थी। इसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो काफ़ी अपसेट थे, वो काफ़ी गुस्सा थे। तो इसी की वजह से ये म्यूटिनी राइज होगी। व्हेन द ट्रूप्स फ्रॉम 47th नेटिव इन्फेंट्री अपीयर्ड ऑन परेड द ट्रूप्स, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हुई, तो जब परेड हुई तो उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने परेड में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है ना। जो चित्तागोंग था, अनलेस दे लाइक चित्तागोंग में ये परेड हो रहा था, और वो कब तक परेड नहीं करेंगे, अनलेस दे ग्रीवेंसेज वर रेमेडीड। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स किए गए इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस डिस्प्यूट को, लेकिन दे फेल्ड। और इसी की वजह से जो 26th और 62nd रेजिमेंट था वो भी यू नो इट वाज आल्सो स्प्रेड टू 26th एंड 62nd रेजिमेंट, जो कि पहले 47th में था। अब जो कमांडर इन चीफ उस टाइम पे थे वो एडवर्ड पैगेट थे। उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जो ट्रूप्स हैं उनको लाइक दे नीड टू बी लेड डाउन देयर आर्म्स बिफोर कंसिडरिंग देयर रिक्वेस्ट फॉर रिग्रेस। ठीक है, जो उनके पास आर्म्स थे, जितने भी हथियार थे उनके पास, वो सारे नीचे रख दिए जाएं। एंड ऑल्सो द कैंप वॉज सराउंडेड बाई लॉयल सोल्जर्स फ्राम 26th एंड 62nd रेजिमेंट्स एंड टू ब्रिटिश रेजिमेंट्स। आफ्टर अ फाइनल अल्टीमेटम द कैंप वॉज अटैक्ड विद आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री, अराउंड 180 सीपॉयज वर किल्ड एज वर अ नंबर ऑफ सिविल बाईस्टैंडर्स। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जब मना कर दिया कि हम परेड नहीं करेंगे, तो परेड जब उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद उनको एक फाइनल अल्टीमेटम दिया गया, और उससे पहले उनके जितने भी हथियार थे वो नीचे रखवा दिए गए। ठीक है, ले डाउन करवा दिए गए, और वो ले डाउन करवाने के बाद उनको एक फाइनल अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद भी जब उन्होंने लाइक द डिस्प्यूट कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड, तो जो एडवर्ड पैगेट थे कमांडर इन चीफ, उन्होंने इंडियंस 180 सीपॉयज को मार दिया। कैसे मार दिया, जिस भी एरिया में वो, जिस भी यू नो स्टेडियम में वो थे उस टाइम पे, उस स्टेडियम को पूरा कवर कर लिया गया ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा। एंड ऑल्सो द 26th एंड 62nd रेजिमेंट्स में जितने भी नॉट ऑनेस्ट जो लॉयल सोल्जर्स थे टुवर्ड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने दे अटैक्ड दैट पर्टिकुलर कैंप विथ आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री टू किल अराउंड 180 सीपॉयज। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एक ब्रूटल एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया गया था इंडियंस के ऊपर। इट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी ब्रूटल एक्ट्स। तो
अब इसके भी कुछ इफेक्ट्स थे, ठीक है. दिस इज वन सूबेदार ऑफ अर्ली 19th century फ्रॉम बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इन दिस आर्मी यूनिफॉर्म. जो हम बराकपुर म्यूटनी की बात करते हैं वो बेसिकली बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की ही बात करते हैं हम इसमें, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी बराकपुर में, इसके बाद क्या हुआ. इन द आफ्टर मार्थ नंबर ऑफ म्यूटिनियर्स वर हैंग एंड अदर सेंटेंस टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ पीनल सर्विट्यूड. देखिए, ये जब म्यूटनी हुई तो इसके बाद भी क्या हुआ, काफ़ी हार्श एक्शंस लिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. कैसे, जो भी बाकी म्यूटिनियर्स थे उनको भी लाइक देवर हैंग एंड देवर सेंटेंस टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ पीनल सर्विट्यूड. द 47th रेजिमेंट वॉज डिस्बैंडेड, ठीक है, जैसा कि उन्होंने वेलोर म्यूटिनी में किया था, वहाँ पर भी डिस्बैंड कर दिया था. ये जो भी उनके खिलाफ खड़े होते थे उसको डिस्बैंड कर दिया था, यहाँ पर भी डिस्बैंड कर दिया. अब इसमें क्या हुआ था, जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको दूसरे रेजिमेंट्स में शिफ्ट कर दिया था. ये जो इंसिडेंट था इसको जो मीडिया थी उसने भी ऊपर नहीं उठाया था, एंड ओनली अ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वॉज रिलीज्ड, ठीक है. तो जो पब्लिक थी उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला था इसके बारे में, क्योंकि मीडिया ने भी इस जो म्यूटिनी को था इसको सप्रेस कर दिया गया था. उनको सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही टेलीकास्ट करने की परमिशन मिली थी, जो पब्लिक के पास पहुंची थी वो बहुत थोड़ा था, ओके. लेकिन ये सब होने के बावजूद भी पार्लियामेंट्री क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्नमेंट रन कर रही थी इंडिया में, वो काफ़ी ब्रूटल होती जा रही थी, वो काफ़ी अट्रॉसिटीज़ बढ़ा रही थी. हमने देखा, हमने दो इंसिडेंट्स देख लिए, ठीक है. एंड देर इज़ ऑल्सो वन मोर इंसिडेंट, पाइका रिबेलियन, ठीक है. जब इससे 1857 से पहले जब इंडिया में रिवोल्ट होने की कोशिश करी गई है, उस टाइम पर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी ब्रूटल एक्शंस लिए थे, ठीक है. And it was also this act was parliamentary criticized for its heavy-handedness in dealing with sepoys. ठीक है, तो ये लाइक दिस वॉज ऑल अबाउट द म्यूटनीज. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइका रिबेलियन. तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड डू शेयर एंड लाइक द लेक्चर. थैंक यू.